मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का चुनावी माहौल है और आज हम ग्वालियर ग्रामीण में खड़े हुए हैं। ये जारगा गांव है, यहाँ के बहुत सारे युवा और बुजुर्ग लोग और बच्चे भी यहाँ लाएंगे और महिलाएं भी खड़ी हैं, तो आज हम जानकारी लेने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह, इंडिया रिपोर्टर 24, आप देख रहे हैं और आज हम जारगा गाँव में खड़े हुए हैं। जानकारी लेते हैं कि क्या स्थिति है विधानसभा चुनाव की, वर्तमान विधायक क्या कर रहे हैं और आने वाले नवंबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं और जल्दी घोषणा होगी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम डॉक्टर मुन्नालाल मोर है, मैं जाटा समाज संगठन से अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश। क्या स्थिति है अभी चुनाव में आपके? चुनाव में अभी क्या है, पार्टियों को क्या है, टिकट क्लियर नहीं हुए, इसलिए अभी कुछ बोलना असंभव है। असंभव है। वर्तमान विधायक ने क्या क्या आपके लिए सुविधाएं करी? नहीं, वर्तमान विधायक ने काम किए हैं, कुछ अच्छे भी काम किए हैं और नाराजगी भी होती है। देखो, अच्छा, सब तरह का वो रहता है, माहौल होता है, हर किसी के लिए सब कुछ तो नहीं कर सकता कोई भी। क्या क्या लगता है बीजेपी का यहाँ पर? अभी टिकट जब तक घोषित नहीं होंगे तब तक सरकार बीजेपी की नहीं आ सकती। आप बताओ, बीजेपी आ सकती है? बीजेपी आ सकती। लाडली लक्ष्मी का काम चल रहा है, बढ़िया है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। आप बताओ। लाली लक्ष्मी योजना से हम खुश नहीं है। कौन आएगी सरकार? कांग्रेस। हाँ, बदलाव कांग्रेस। हाँ, आप भी कांग्रेस? हाँ। तो अभी तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, बुजुर्ग लोगों को पेंशन दे रही है, कचुना दे रही, लाली लक्ष्मी का काम कर रही है, घर दे रही है, कचुना दे रही, कछु काम नहीं कर रही। पेंशन ना मिली? पेंशन नहीं मिली? हाँ भैया, इनको पेंशन नहीं मिली, आप कह रहे बीजेपी आएगी? देखो, ऐसा है कि ये तो क्या है कि अपना अपना मत है, कोई भी आदमी, देखो क्या होता है कि सरकार किसी की वो, लेकिन सबकी पूर्ति तो नहीं कर सकती है। सुविधाएं तो सभी को, बुजुर्ग जगह पेंशन व्यवस्था चल रही है, लाडली लक्ष्मी चल रही है, तो सारी महिलाओं को होने चाहिए ना, सारी बहनों को होने चाहिए, सारी बेटियों को होने चाहिए। नहीं, सुविधा तो सबके लिए है, लेकिन क्या है, अभी क्या 2-3 महीने हुए हैं इस योजना को लागू करे हुए, अब जितने भी फार्म पहले भरे हुए हैं, अब आगे और प्रक्रिया आगे चल रही है, देखो आगे होता है क्या। प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, तो बीजेपी आ रही है ना? आ रही है। आप बताओ, बीजेपी और आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब दोनों मत आप बताओ, अपना मत बताओ। आप 18 साल के हो, आपका वोट आता होगा, आप वोट देते हो, क्या पोजीशन है बताओ, बीजेपी आ रही है? आ रही है, आ रही है। भैया बीजेपी के यहाँ 4 लोग खड़े हुए हैं, आप भाई साहब बताएं। बीजेपी हाँ। क्या व्यवस्था है, वर्तमान विधायक मंत्री जी हैं, क्या क्या आपके गाँव के लिए रोड बनवाए, मकान बनवाए, कुछ करवाया? हाँ जी, आवास मिले हैं। आवास मिले हैं सबको? चलिए, कांग्रेस वाले बाबा कहाँ हैं? आ जाओ कांग्रेस वाले बाबा, आ जाओ। बीजेपी बता रहे हैं कि मकान मिल रहे हैं और लाडली लक्ष्मी की सुविधा मिल रही है। तेल लगा रहे हो ताई मिलेगा वो मकान है? तेल लगा रहे हैं? हाँ, ताई मिलेगा वो है। अच्छा, बाबा कह रहे हैं तेल लगा रहे हैं, उसको मिलता मकान? मकान आप बताओ, सबको बीजेपी? बीजेपी आप? बीजेपी सबको मकान, बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को हमारे गाँव में कम से कम 250 मकान बने। अच्छा, पैसा मिल रहा है 1000 रुपया महीना। अच्छा, सब काम मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं पैसा 1000 रुपये महीना? महिलाओं को मिल रहे हैं। अच्छा, ये तो चुनाव चुनाव आ गया इसलिए है? ये तो चुनाव आ गया इसलिए? इसलिए नहीं, अपन हमको तो 2.5 लाख रुपए मिले मकान के। अच्छा, लिए मकान के लिए। भैया ये भैंसों के लिए चारा लेके आए हैं यहाँ, कौन सी पार्टी आ रही है? पार्टी? हाँ, पार्टी जी। विधायक कौन आ रहे हैं? पता ना भैया। फिर भी वोट किसको दोगे? भैंस वाले को? भैंस तो कोई बूढ़े वोट नहीं है ये दादा कह रहे, भैंस वाला तो अभी कोई विधायक खड़ा नहीं हुआ है ना होगा? हो। अच्छा, आपका अलग पार्टी है, ये दादा कह रहे हैं अलग पार्टी है। और बीजेपी का बहुमत है यहाँ पर, कांग्रेस के 2 लोग हैं यहाँ पर। एक बात और कह रहा था। हाँ बताएं। यहाँ पर टिकट घोषित होने के बाद ही निर्णय कर सकते हैं, ये सीट पर हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला रहा है। मुकाबला त्रिकोणी रहा है भाई साहब, मुन्ना लाल जी कह रहे हैं कि मुकाबला त्रिकोणी रहा है, टिकट तय होने के बाद पता चलेगा। लेकिन टिकट क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी नहीं कह सकता किसकी सीट आएगी, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही पार्टियों का बराबर वर्चस्व है। बीजेपी ने काम किया, मैं तो उसके बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं, बीजेपी ने काम किया बीजेपी ने? अभी नहीं किया कुछ। बीजेपी ने कुछ नहीं किया है ये बता रहे, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है? दारू और चालू कर दी गाँव में, तो पहले भी चालू थी दादा? नहीं थे गाँव में, नहीं थी। दारू के डोठे का तो पहले खुले थे? नहीं खुले गाँव में, नहीं खुले। अच्छा, तो वो तो दारू बांटने थोड़ी आते होंगे, वो तो आपको लेने जाना पड़ता होगा। अरे अमन आ जाता ले दारू, घर बैठे दे जा रहे हैं उठा के। रोजगार की बात करो जरा, रोजगार भाई युवाओं को, ये लड़के नए खड़े हुए हैं, रोजगार कुछ व्यवस्था हुई है? नहीं भैया, रोजगार में यह सरकार विफल साबित हुई है, क्योंकि
यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में सरकार विफल साबित हुई है। यहाँ पर क्या है कि बीजेपी का एक मुद्दा रहता है हिंदू मुसलमान, ये मुद्दा अगर छोड़ दें, अगर विकास के नाम पर वोट, अगर बीजेपी विकास के नाम पर अगर वोट मांगे और विकास करे तो बीजेपी कुछ अच्छा कर सकती है। बीजेपी ने वो बोल रहे कहा तू गाड़ी जी चला रहा थबा से ड्यूपी तो आई दई कर रही है मुंह चो दे नेता को लाड़ी लीला च मिल गई 50-40 बेन गल बजे आलुआ हुआ तीन मिले गो तो कर रहे हैं। हाँ साहब सही है। अच्छा वो हमने मिले ना हम काम मचो तो हम का करेंगे। अच्छा हाँ कछुना ने कछुगन ने मिल लो कछुगन ने कछुना मिल लो जिन्हें पूजा पूरे बगेले रोजगार रोजगार युवाओं को रोजगार मिला आप ना मिला नहीं मिला तो क्या क्या चाहेंगे सरकार से आप आने वाले टाइम पर जो विधायक बनेंगे जो भी विधायक बने हमें तो रोजगार चाहिए तो आप वही तो बोल रहा हूँ सरकार तो आपको बनानी है। हाँ वो तो सही तो है। क्या क्या सोचेंगे आप अभी तक बीजेपी के विधायक थे मंत्री थे तो रोजगार के लिए आपने कहीं उनसे कोई गुहार लगाई आपने बिन से यही निवेदन है कि रोजगार दिलवाए युवा ने नहीं अभी तक 5 साल में नहीं दिलवाया अभी आप क्या चाहते हैं विधायक में बदलाव हो बदलाव तो होना चाहिए। आते हैं तो वही कहते हैं कि साहब हम तो ना नीरा डरा है हम लाट के लिए परेशान है नहीं रहती बगल मोहल्ला लाइट नहीं रहती अभी तो बता रही है लाइट सड़क बिजली पानी नहीं नहीं नहीं, नहीं लाइट की तो बहुत कर रही समस्या है अंधेरा डर होगा फ्यूटर होगा पढ़ते हो आप लोग और बच्चे पढ़ते भी तो तुम जाओ बगल मोहल्ला में चलो नहीं जला जलाएगा नहीं देख लीजिए कहा आ रहा हो। अच्छा हाँ आप भी देख लीजिए चलो साफ सफाई नहीं रहती तो साफ सफाई करने के लिए कोई आता नहीं है कोई नहीं आता है। देखियो महिलाएं ये महिलाएं हमारी माता बहना है उनसे बात करेंगे हम लोग। हाँ और ये चल रहे हैं अभी देखते हैं क्या पोजीशन है और नल्ली ना जाने के लिए रोड पे। अच्छा रोड के लिए नल्ली नहीं है ये जरा दिखाओ हम कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा दिखाएं रोड की क्या स्थिति है और ये क्षेत्र है अभी वर्तमान के विधायक और मंत्री जी भरत कुशवाहा जी का ये जल भराव हो रहा है कीचड़ हो रही है इसके लिए निकास के लिए कोई साफ सफाई की व्यवस्था होती है क्या होती है क्या ये क्या है ग्वालियर ग्रामीण की जो नगर निगम में आता है जो 61 नंबर में आता है और यहाँ पर नगर निगम बिल्कुल फेल साबित हो रही है। यहाँ पर पानी भरा हुआ है और मच्छर की बहुत समस्या है वो आपको पता है कि डेंगू कितना फैल रहा है। सफाई कर्मचारी आते हैं नहीं आते तो फिर आप पार्षद को फिर अभी सुनता नहीं है पार्षद अभी यहाँ कौन है पार्षद नातूराम है नातूराम ठेकेदार है तो आप पार्षद को ये बात कहते हैं कई बार पार्षद को फोन लगाया है कई बार ऊपर भी फोन लगाया है विधायक को बताते हैं ये बात विधायक को नहीं बताते हैं आते ना नहीं तो विधायक तो बीजेपी के विधायक है अभी बीजेपी के विधायक है तो आते कहां हैं अभी क्या पोजीशन है अभी क्या अभी आज का पोजीशन दिख रही नहीं तो आपको नहीं पोजीशन का मतलब मेरा विधायक बीजेपी को बनाएंगे नहीं बनाएंगे कांग्रेस को बनाएंगे काम तो बहुत किया उन्होंने अरे कुछ नहीं किया कांग्रेस का कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया नहीं कुछ नहीं किया ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाले सब काम किया है डीपी से अंधेरे में किसानों को बिजली नहीं मिली तुम कह रहे हो 24 घंटे बिजली देती है अरे नहीं देती नहीं देती है नहीं देती नहीं देती आ जा भैया हाँ बताओ हाँ भैया क्या कह रहे हैं कांग्रेस जीते हो तो कांग्रेस ने तो अभी कोई काम किया नहीं भैया तो बीजेपी ने कर दो बीजेपी का विधायक आओ इधर आओ ना आओ भगवान बीजेपी का अभी विधायक है भैया तो आपने आपने कागज जमा करने पड़ेंगे ना आपको कागज सब जमा कर दिए मैंने भैया। अच्छा जमा कर दिए गांव के चुगल लग जाते हैं दो मकान बने दो पक्के। अच्छा 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 आप बताइए क्या पोजीशन है हम वीडियो बना लिया आप निश्चिंत रहे आप ये बताएं आप विधायक हैं वर्तमान में मंत्री हैं प्रशासन से भी खुश हैं नहीं आप प्रशासन से खुश नहीं हैं विधायक मंत्री से खुश हैं नहीं विधायक से भी खुश नहीं है मंत्री भी से भी खुश नहीं तो आपने अपना कीमती वोट दिया है जो अभी कुशवाहा जी है उनको दिया कीमती वोट दिया आपने उनको जिताया है मंत्री भी बनवाया फिर भी देंगे और फिर भी देंगे आप तो लेकिन फिर आप मांग देते नहीं है यहाँ पर हमने कई बार मांग की है जब एक पिता अपने बेटे के लिए व्यवस्थाएं करता है तो उसका अधिकार होता है उससे मांगने के लिए कि भाई यहाँ बताएं माता जी है माता जी कुछ कह रही है
अरे शिवराज सरकार में भैया ये माता बहनों के लिए पेंशन के लिए व्यवस्था है। ये माता राम क्या नाम है माता राम आपका? मेरा बैकुंठी नाम है। बैकुंठी देवी जी है, इनको 1.5 साल होगी पेंशन नहीं आई है। कुछ कहना चाहेंगे अपने अपने विधायक से, पार्षद से शिकायत करी आपने? ना करी ना सुनते को। नहीं सुनते तो फिर क्या करोगे वोट देने के लिए? क्या करोगे अब? करूरी गई ना अभी 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 वोट दोगे? अभी 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 वोट आ रहे हैं, वोट देना है आपको, तो क्या करोगे? मेरी करेंगे तो देंगी मैं। अच्छा तो वो आपको जो पेंशन करा देंगे उनको वोट दोगे? ये माता राम का कहना है कि भैया जी इनको जो वोट देंगे उनको जिताएंगे। ये गर्मी लगने दो भैया, हमारा काम ही है रिपोर्टिंग का। पसीना आने दो, हम तो आप लोग आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पसीना आने दो, पसीने का काम होता है भैया। ये आप लोग भी खेत में काम करते हो, सबको पसीना आता है ना? ईंट में करते हो पसीना तो आएगा ना, तो हमारा भी काम है भाई साहब, है ना? तो ये गांव में दादा कुछ बताओगे यार? कुछ बताओ भैया, आप कुछ बताओ। विधायक किसको बनाएंगे? विधायक कौन बनाएंगे? नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। आप आपके आपके क्षेत्र का है ना विधायक? हमारे गांव का विधायक बताओ। हमारी डीपी नहीं करवाई। डीपी नहीं करवाई तो फिर क्या करोगे आप? 17 बार कह चुके। 17 बार कह दी आपने, फिर हमने प्राइवेट डीपी कराई। प्राइवेट डीपी कराई तो ऐसे विधायक का क्या मतलब है जिसको आपने जिता भी दिया लेकिन फिर क्या मतलब है? वही तो मैं कह रहा हूं, फिर से बनाएंगे उनको? नहीं फिर से बनाएंगे, भाई 2 लाख रुपए देगा डीपी हम फिर। नहीं अभी आप बताओ, फिर से बनाएंगे क्या? 2 लाख रुपए देगा फिर बनाए देंगे। वो तो सुनने नहीं आ रहे हैं है? वो तो सुनने नहीं, आप कहने जाओ उनसे। ये आवेंगे नहीं, वोट मांगे भाई। नहीं तो वोट मांगे आएंगे तो वो हाथ में रखे तो होंगे नहीं 2 लाख रुपया। अरे वे तो कर देंगे आलमियों का, 2 लाख दे जाएगा भाई डीपी जब वोट मिल जाए। भाजपा की पूंजीपति सरकार है, बाकी सरकार बनी ना कमलनाथ की, तो इसमें इन लोगों ने दे नोट 30 विधायक कर ले दे का 30 विधायक सरकार फैल सिंधिया लेके खेच के पूंजीपति सरकार है जी। हाँ जमीन तो अभी अभी क्या जिताएंगे उनको? हाँ जिता रहे हम जैसे तो नहीं जिता रहे भैया। देखिए जे हम जार के गांव में आए हुए थे, सबका मत हमने देखा, आपसी मत अभिमत भी हो रहा है कि भैया कोई लोग बोल रहा है कि बीजेपी को जिताएं, कोई कांग्रेस को, काम किसी ने नहीं कराया है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।